रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑनरेबल कॉलीग्स, फॉरेन सेक्रेटरी MOIT, NATB चीफ एग्जेक्टिव, मोफा के सीनियर अफसरान, मीडिया के दोस्तों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। मैं समझता हूँ कि इट्स एन इवेंट टू फॉर्मली इनागोरेट। वी हैव बीन स्ट्रगलिंग इन लास्ट फ्यू वीक्स, जिसको कहते हैं इनिशियल ग्लिचेस। इट वाज एक्चुअली लॉन्च्ड on ground on 17th of May, this particular facility, और initial हमें जो मुश्किलात आई वो मैं उसका थोड़ा सा जिक्र करूँगा, लेकिन I'm extremely delighted कि alhamdulillah we have reached within weeks a point where it is seamless facility to the general public। और माजी में जो होता था आपको भी पता है कि पहले फॉरेन ऑफिस में अटेस्टेशन, फिर जाके कोई $150 किसी फॉरेन एम्बेसी में, जिस कंट्री में डॉक्यूमेंट जानी होती थी। अगर UK भेजें तो UK एम्बेसी, इटली जानी तो इटली एम्बेसी, पर उसके बाद फिर अगेन इन दी होस्ट कंट्री, इटली, UK, वेयरएवर डॉक्यूमेंट ने लैंड करना था, फिर वहाँ से दोबारा वेरिफिकेशन। इट वॉज अ वेरी लेंथी प्रोसेस एंड वेरी कम्बरसम एंड ऑल्सो एक्सपेंसिव, क्योंकि मुफ्त तो नॉर्मल कॉस्ट रिकवरी का चक्कर होता है, बट वहाँ $100 मीन 30,000 रुपीज़। तो कमिंग टू द फैसिलिटी, यू ऑल नो दैट इट इज़ हेग कन्वेंशन, नोन एज द अपोस्टल कन्वेंशन। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको 31 मार्च 2022 को ज्वाइन किया और इट बिकेम दिस कन्वेंशन इनटू फोर्स। पाकिस्तान में ये 26 जनवरी 2024 को ये पाकिस्तान में, यानी इसका प्रैक्टिकली शुरू अमल हो गया। ऑब्वियसली देयर इज़ लेजिस्लेटिव वर्क टू बी डन। कानून जो है वो नेशनल असम्बली और सेनेट पास करेगा। इंशाल्लाह इट विल बी डन ऑन टाइम। और आइडिया क्या था कि ऑलमोस्ट इस वक्त कोई 112 कंट्रीज़ हैं जिसको पाकिस्तान रिकगनाइज करता है। देर आर ऑल वेरी फ्यू कंट्रीज, अबाउट 8 और 9, हु आर नॉट येट एक्सेप्टिंग और दिस अरेंजमेंट, यानी हमारा ज्वाइनिंग ऑफ द हेग कन्वेंशन। तो इसके जो निटी ग्रिटी जो अरेंजमेंट्स थे, वी हैड प्रिमली मीटिंग्स, सेक्रेटरी साहब, टीम, NATB, और हमने वो सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की। तो इनिशियली वी थॉट के अब मॉडर्न ज़माना है, इसको इंटरनेट पे लोग जाएं और अपनी स्लॉट बुक करें और फिर आ जाएं। तो वी हैव वेरी स्मार्ट गाइज इन दिस कंट्री टू मेक यू योर वर्क डिफ़िकल्ट। तो पता ये चला कि जी रात को एजेंट्स जो हैं वो दर्जन और दो दर्जन स्लॉट्स पहले बुक कर लेते। सो देयर वाज ए क्राइसिस। माई कॉलीग्स एंड टीम केम रनिंग कि जी क्या करें। तो पता चला कि दो स्लॉट्स वर वेरी हैवीली सोल्ड। वी आर टॉकिंग ओनली लास्ट फ्यू वीक्स, मई से अब तक की कहानी आपको बता रहा हूँ। तो वी लकीली, वैसे हमारी वो स्पाइंग काम नहीं होता मोफा में, बट वी लकीली गॉट होल्ड ऑफ फ्यू कल्प्रेट्स हु वर डूइंग दिस जॉब। तो उनको हैंड ओवर किया लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को, बट एज द लक वुड हैव इट दैट वाज नॉट वेरी कामयाब तजर्बा। तो मुझे मिले, हमने कहा इस तरह करते हैं कि हम कहते हैं कि जी बस वॉक इन। तो वॉक इन का सिस्टम शुरू किया, तो कोई 2-4 हज़ार बंदे यहाँ इकट्ठे हो गए, तो लाहौर में इकट्ठे हो गए, कराची में इकट्ठे हो गए, एमरजेंसी सिचुएशन हो गई, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फिर बुलाना पड़ा। तो वो भी एक अजीब ही तजर्बा था। आई एम श्योर प्रेस नोज एंड मेम्बर्स, तो इज़ ओनली वेरी रिसेंट फ्यू वीक्स हिस्ट्री। फिर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि क्या किया जाए। हमने कहा ये है कि अगर लाइन में लगा जाए तो फिर लोग जो लाइन में है वो ओनली रोज विल कम, सो जितनी लंबी लाइन हो, मीलों लंबी हो, तो फाइन गुड एनफ। जब वो ऑफिस आवर्स ख़त्म होंगे तो फैसिलिटी विल बी क्लोज्ड। पीपल आर वेरी स्मार्ट, रात 12 बजे से लाइन लगनी शुरू हो गई एंड उनको जो टोकन दिया वो टोकन फेंकना शुरू हो गया। फोर्थ राउंड में मैंने कहा इट हैज़ टू बी इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन फ्री फैसिलिटी। सो दैट्स व्हाट यू आर सीइंग टुडे कि जी हमने कोरियर्स को आइडेंटिफाई किया, एज यू मैनी कंट्रीज नाउ एक्सेप्ट वीज़ाज प्रोसेस थ्रू कोरियर। उनसे नेगोशिएट किया जो बेस्ट हो सकता है हमारे, क्योंकि अब जाहिर है कि आपके ज़्यादा तो पाकिस्तानी बहन भाई होंगे जो ये फैसिलिटी बल्क वास्ट मेजॉरिटी उन्हीं की होगी, अनलेस को फॉरेन बिजनेस यहाँ को हो हाउसेज और उनको ज़रूरत हो कुछ डॉक्यूमेंट्स की। तो हमने उनको अब एंगेज किया और देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरेक्शन। वो कोरियर को देते हैं और फीस वो जो भी डॉक्यूमेंट, 3 टाइप के ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स हैं एंड इज़ वेरी रीजनेबल फ़ी। एक लेस दैन $10 है, 3,000 एक जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होती है। एक की जो थोड़ी सी उससे ज़्यादा हायर लेवल की कॉम्प्लिकेटेड, उसमें कोई अबाउट 4,000 या 4,000 समथिंग, 4,500 समथिंग, 4,000। तो उसका कह लें कि आप ऑलमोस्ट $13 और जो बिज़नेस एंड कमर्शियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिज़नेस हाउसेज वगैरह, वो इस अबाउट $30 $12,000। ये हमने वो फिक्स किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 20,000 अपॉस्टल अटेस्टेशंस एज ऑफ टुडे फ्रॉम 17 May इंक्लूडिंग दोज राउडी फेजेस, तो 20,000 डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं। But since we adopted this seamless system, it's working very fine. और लोग एक उनको inconvenience थी, modern बहुत ज़माना हो गया, वो पैसे जाके बैंक में जमा करा के उनको ऑफिस से रसीद साथ लगा के courier करना होती थी, उसको आज से आपने देखा कि from today it has been now the payment can be made online. So you can, all you need is to from your own computer or from your own cell smartphone आप login करें, आप अपने account को debit करें, हमारे account को credit करें and that the proof you have, you attach that evidence with your documents. You don't have to now go anymore to the bank. So this is the commitment of this this government to try and make people's life easy. ये उसी के तहत ये एक जैसे मैंने कहा कि इनिशियली बोथ मी एंड माई कॉलीग्स वर अंडर ऑब्वियसली लिटिल बिट स्ट्रेस एंड नर्वसनेस, बट अल्हम्दुलिल्लाह एट द फोर्थ राउंड, थैंक्स गॉड के पांचवें की जरूरत नहीं पड़ी। एट द फोर्थ राउंड वी बिकेम टोटली सक्सेसफुल। ह्यूमन बिल्कुल इंटरेक्शन फ्री फैसिलिटी इज़ इंस्टॉल्ड और अब हम मज़ीद जो है वो अपार्ट फ्राम इस्लामाबाद, ये ऑलरेडी पेशावर, लाहौर, कराची एंड गुजरात, एम आई राइट, ये जगह पे भी हमारे जो सब ऑफिसेज हैं दे आर ऑल्सो एंटरटेनिंग दिस फैसिलिटी। और आगे देखेंगे, मे बी टू अर्ली फॉर मी टू से दे, मे बी वी अलाउ पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भी डॉक्यूमेंट्स भेज सके, पर वो थोड़ा सा कि उनकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगी। आपको पता ही है कि हमारी डाक कई दफ़ा राइटली और रॉन्गली मिस डिलीवर भी हो जाती है, इस तरह उसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। पर वी आर वेइंग इट, but certainly the system is working very fine and I must compliment Foreign Secretary, his team, PATB. मुझे थोड़ा सा नर्वस थी इनके हवाले से whether this team will be able to deliver, but I must compliment, माशाल्लाह they are doing a wonderful job. हमने जो भी इसके लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं इस फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में, एक्सेप्ट द लेजिस्लेशन, the act which we have to get it passed, हमने वो सारे पूरे किए हैं। There are certain things which in the general interest should not be disclosed publicly, but we have met every requirement of the apostille service from Pakistan now for 250 million Pakistanis. So anybody who wishes to avail this facility is available. It's absolutely hassle-free. वो जो असल में हुआ ये कि वो जो लोग रोज़ कतारों में लग के फिर सिफारिशें करा के फिर वो एंट्री लेते थे, फिर वो मोर यहाँ से लगती थी, पीछे स्टैम्प्स लगती थी, फिर वो दूसरी एम्बेसी में बेचारे जाके लाइनों में लगते थे, तो वो एक वो भी वजह थी कि जब हमने फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की 17 मई को, तो एवरीबॉडी विशेज जो भी पेंडिंग लॉट थी, आई मीन यू कैन सी टिल नाउ 20,000 केसेज हैव बीन कंप्लीटेड, तो वो सारे के सारे जो थे ना दे ट्राई टू जस्ट, हम वैसे भी जल्दी वाले कॉम हैं, जब हम फॉरेन कंट्री से जहाज़ में चढ़ते हैं तो बिल्कुल क्यू होता है, आराम से सारे बैठे होते हैं, तो मोमेंट यहाँ टच करते हैं ना लैंड प्लेन तो हम सारे खड़े हो जाते हैं, अपना सामान उतारे होते हैं। वो बेचारी जो क्रू है वो अनाउंसमेंट ही करता रहता है कि प्लीज़ जब तक ये पार्क नहीं होगा आप बैठे रहें, तो वो लोगों ने वो ही किया कि जितनी जल्दी हो सकता है अपनी डॉक्यूमेंट तो करवा लें, सो दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ हमारे लिए एक चैलेंज भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक एवरीथिंग हैज़ गॉन वेरी वेल। जहाँ तक हमारी अब जो ये फैसिलिटी है, अब किसी को यहाँ से करवाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है पोस्टल अटेस्टेशन, नोबडी हैज़ टू गो एनीवेयर एल्स, नाइदर फॉरेन एम्बेसी इन पाकिस्तान नॉर मिशंस हम अब्रॉड जो हैं उनमें भी जाने की नहीं ज़रूरत होगी, ये सीधा जहाँ भी देना है, क्योंकि हमारे लोग जॉब के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए, आप में से मुझ समेत बहुत लोग बाहर गए हैं, यू नीड योर योर जो है आपके सर्टिफिकेट्स अटेस्ट होती है सारी चीज़ें, तो कई लोग बिजनेस के लिए और मामलात के लिए, कारोबार के लिए, इवन फॉर ओवरसीज़ रेजिडेंस के लिए जाते हैं, तो ये अब सारे के सारे जो लोग हैं उनके लिए ये सारी फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह हैज़ बीन ए वेरी वेरी ईजी फैसिलिटी, और इसमें आई कैन अश्योर यू कि मेरी टीम और पर्टिकुलरली PATB दे आर गुड पार्टनर्स, दे आर प्रूव्ड टू बी वेरी गुड पार्टनर्स, और इंशाअल्लाह इसमें हम कोशिश करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट डिमांड कि कितनी चाहिए और कितने लोग हैं उस हिसाब से हम अपनी फैसिलिटी को शायद अपग्रेड भी करें, बट लेट दी बैकलॉग सेटल फर्स्ट, क्योंकि हम अभी से एक आइडिया था कि जी एक बिल्डिंग ले लें किराए पे, वो दूर भी होती और फिर लोगों को वो एक अलहदा, लेकिन अब तो हमने उसको रिमूव ही कर दिया, अभी तो वर्चुअली इट्स एज ए सेट के ह्यूमन इंटरेक्शन तो है ही नहीं इसमें, तो द कोरियर हैज़ टू डिलीवर वेदर किसी बेसमेंट में या इस दफ्तर में या एक बिल्डिंग में, बट व्हेन देयर वाज अ लार्ज क्राउड आइडिया आल्सो फ्लोटेड कि लेट्स टेक ए बिल्डिंग, हायर ए बिल्डिंग, ताकि यहाँ से दूर इस रेड जोन से बाहर ले जाएँ और वहाँ ताकि ज़्यादा अकोमोडेशन हो। अल्हम्दुलिल्लाह अब दी फाइनल फेज़ जो हमने अभी इन ऑपरेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चल रही है, जिसका आज आई डेंट वांट टू फॉर्मली इनागोरेटेड टिल आई एम सेटिस्फाइड, को मुझे ये डर था कि कोई नई ग्लिच ना आ जाए, बट नाउ वंस हैविंग सीन द थिंग्स आर मूविंग वेरी स्मूथ एंड विदाउट एनी इनकन्वीनियंस एंड वेरी सक्सेसफुली, सो आज फिर हमने इसको किया। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव गिवन टाइम, एंड आई थिंक इंशाअल्लाह ये इस गवर्नमेंट का विजन है कि मैं आपको कल भी मैं पब्लिक एक गैदरिंग में मैंने वो बातें की हैं, मैनी पीपल हैव लिसन्ड, आई डोंट वांट टू रिपीट द इकोनॉमिक रिटोरिक हियर, इट्स अ फैसिलिटी वी आर इनागोरेटिंग, वी आर सेलिब्रेटिंग, सो इंशाअल्लाह वी विल मैनी अदर ओकेजन टू डिस्कस अदर मैटर्स। थैंक यू वेरी